सो हमारे पास जब सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, एक्स इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट, ये वाला आई 0 सिलेक्ट हो गया और ये भी आई 0 सिलेक्ट हो गया। अब सेकंड वाई पोजीशन पे जो वैल्यू है वो बताएगा कि सम के साथ रिलेट करना है आपने फंक्शन या कैरी की आउटपुट देगा। अगर तो ये 0 है, ये देखिएगा वाई इज इक्वल टू 0 तो सम से रिलेट करना है। सम को आपने जो वेरिएबल सिलेक्शन इनपुट नहीं है, क्योंकि सम इज आवर आउटपुट एंड कैरी इज इवन आवर आउटपुट, अब इन दोनों आउटपुट को हमने रिलेट करना है अपनी डेटा इनपुट के तौर पे जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, एक्स एंड वाई तो सिलेक्शन इनपुट्स हो गई, इन दोनों के अलावा जी इज दैट व्हिच वी विल बी यूजिंग एज अ डेटा इनपुट एंड इन रिलेशन विद द आउटपुट दैट इज सी एंड एज वेल एज एस। अब जी कैसे रिलेट कर रहा है एस के साथ, आउटपुट के साथ, जब जी 0 है तो एस भी 0 है, जब z 1 है तो s भी 1 है। अब ये देखिएगा सिलेक्शन इनपुट 0 0, ये वाला i 0, i x की पोजीशन पे i 0 लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया, देन y आउटपुट सिलेक्शन होगी अगर y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 इसका मतलब है s पे आउटपुट आनी है, s की लाइन पे आउटपुट आनी है, सो s इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू z, तो हमने ये वाली लाइन Z के साथ कनेक्ट कर दी, डेटा इनपुट Z यूज कर लिया। इसका मतलब है यहाँ अगर हम देंगे जी 0 0 0 0 0, Z पे भी 0 दिया तो S पे मुझे 0 रिसीव हो जाएगा, 0 0 1 दिया तो S पे मुझे 1 रिसीव हो जाएगा। अब यही Z मेरे C के साथ भी रिलेट कर रहा है जब मेरी सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, वो कैसे, सिलेक्शन इनपुट साथ स्टिल 0 0, ये देखिएगा ये वाली भी सिलेक्ट जो डेटा इनपुट लाइन है वो भी मेरे सिलेक्शन इनपुट 0 0 के लिए अकॉर्डिंगली सिलेक्ट होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको याद हो ड्यूल मक्स में मैंने आपको दिखाया था 2x4 का टेबल और 4 इनेबलिंग एंड गेट्स टॉप पे लगे हुए थे और उसी के पैरेलल नीचे 4 एंड गेट्स और भी लगे हुए थे जो मैंने आपको बताया था, ये दूसरी बिट को आउटपुट रिसीव करने के लिए सिमिलर एंड गेट का इनेबलिंग सर्किट नीचे भी लगा हुआ था और 2x4 डिकोडर की आउटपुट हर एंड गेट के साथ शेयर हो रही थी, ये वही चीज हो रही है यहाँ। आप 4x1 ड्यूल मक्स का जो लेक्चर है या जो वीडियो है उसका कॉम्बिनेशन सर्किट प्रीवियस लेक्चर में जाके रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ जाए। अब जब सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, देखिएगा एक्स की पोजीशन पे हमारे पास 0 लिखा हुआ है, ये 0 है, पहला 0, ये पहला 0 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्शन इनपुट, सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये डेटा इनपुट लाइन भी एक्टिव होगी। अब जो दूसरी पोजीशन पे लिखी हुई है वैल्यू दैट टेल्स अस कि अगर वो 1 है तो मुझे सी पे आउटपुट दो, सी मेरा कैसे रिलेट कर रहा है जी के साथ, जी मेरा जो मर्जी हो, सी पे मेरे पास कांस्टेंट 0 है, यहां मैंने कांस्टेंट 0 दे दिया। अब जब सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, जी जो मर्जी हो, सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, ये भी सिलेक्ट हुआ, ये भी सिलेक्ट हुआ, ये वाला 0 मींस ये वाला z डेटा इनपुट s पे भेजो, इधर 1 लिखने का मतलब ये है कि ये कैरी से रिलेट करता है, देखिए ना y के साथ सबस्क्रिप्ट 1 लिखा हुआ है तो ये वाला 1 कैरी से रिलेट करता है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 तो ये 0 कैरी पे भेज दो, ये देखिएगा यही चीज यहाँ हो रही है। अगला एक और करते हैं, नेक्स्ट When selection inputs are 0, 1, selection inputs are x and y, 0, 1, अब सब selection inputs 1 है, 0, 1 है, तो इसका decimal equivalent क्या कहलाएगा? 1, decimal equivalent कहाँ लिखा हुआ है? ये पहली position पे जो भी है वो selection input के accordingly है, तो मेरे पास ये और ये information line select हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी i 1 है, यहाँ भी i 1 है, according to my selection input. पहली पोजीशन आई के सबस्क्रिप्ट में जो पहली पोजीशन लिखी हुई है वो है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन इनपुट है वो वैल्यू, सो मेरी ये दोनों इंफॉर्मेशन लाइंस एक्टिव हो जाएंगी, ये वाली भी एक्टिव हो जाएगी और ये वाली भी एक्टिव हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो मुझे बताता है कि मैं सम का आउटपुट रिलेट करता हूँ या कैरी का आउटपुट रिलेट करता हूँ, ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, जो इस जगह पे लिखी हुई है वैल्यू वो रिलेट इस तरह करती है कि अगर y इक्वल्स टू 0 है तो वो सम से रिलेट करेगी और y इक्वल्स टू 1 है तो वो कैरी आउटपुट से रिलेट करेगी। जब सिलेक्शन इनपुट 0 1 है, ये इंफॉर्मेशन लाइन एक्टिव हुई, 1 अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्शन इनपुट, 0 y 0 है तो सिलेक्शन इनपुट आउटपुट से रिलेट करेगा s के साथ, s आउटपुट के साथ रिलेट करेगा, s मेरा कैसे रिलेट कर रहा है, सॉरी एस मेरा कैसे रिलेट कर रहा है जी के साथ,
जब जी जीरो है एस वन है, और जब जी वन है तो एस जीरो है, तो मेरे पास जी बार के साथ रिलेट कर रहा है वो, ठीक है। ये आउटपुट जीरो है और ये आउटपुट जीरो मेरी वाई जीरो सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ये रिलेट करता है, ये आउटपुट देगा मुझे एस के साथ। अब चूंकि दो बिट्स रिसीव हो रही है मुझे सम एंड कैरी, तो जी का फंक्शन कैरी के तौर पे भी मैंने देखना है। जब मेरी सिलेक्शन इनपुट जीरो वन है, ये देखिएगा सिलेक्शन इनपुट जीरो वन है, तब भी मेरी ये वाली लाइन भी एक्टिव होगी। ये देखिएगा सबस्क्रिप्ट में वन है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ माय सिलेक्शन इनपुट वन जीरो वन। अब ये वाली लाइन एक्टिव हुई, अब इसकी सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वन है। अब यहाँ आ जाए, जब वाई की वैल्यू वन हो, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो वाई की है वो वन हो, तो वो सी की आउटपुट देगा। सी की आउटपुट कैसे रिलेट कर रही है, डेटा इनपुट हमारा एक ही है जी, वो इन दोनों आउटपुट के साथ अपना रिलेशन देख रहा है। जब जी जीरो है तो सी जीरो है, जब जी वन है तो सी वन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली जी की इक्वल है ये इंफॉर्मेशन लाइन। अब क्या होगा जब जीरो वन जीरो आएगा, जीरो वन जीरो आएगा, जीरो वन जीरो, तो यहाँ बार होके वन मिल जाएगा, और यहाँ जीरो वन जीरो जी को दे रही हूं मैं, तो यहाँ जीरो एज इट इज मिल जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट ला लेते हैं कॉम्बिनेशन, दैट इज वन जीरो, सिलेक्शन इनपुट सा माई वन जीरो, सिलेक्शन इनपुट वन जीरो से मुराद ये है कि मेरे पास एक ये वाली डेटा इनपुट लाइन एक्टिव होगी और ये वाली डेटा इनपुट लाइन एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि ये पहली पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज रिलेटेड टू माय सिलेक्शन इनपुट, सिलेक्शन इनपुट मेरी वन जीरो है, तो ये आई टू भी एक्टिव हो गया और ये आई टू भी एक्टिव हो गया। अब कैरी एंड सम डेटा इनपुट जी के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, जी इज जीरो एस इज वन, जी इज वन एस इज जीरो, इसका मतलब है जी का बार है एस से रिलेट कर रहा। तो मैं कैसे लिखूंगी, मेरा आई 2.0 ये वाली लाइन जब एक्टिव है तो ये y 0 रिलेट करता है s की आउटपुट के साथ। ये देखिएगा इधर मैंने z बार दे दिया। अब यही सिलेक्शन इनपुट पे 1.0 पे जब 2 i2 सिलेक्ट हो गया, ये इंफॉर्मेशन लाइन सिलेक्ट हुई। अब इसके बाद क्या है, कॉमा 1 लिखा हुआ है, ये 1 रिलेट करता है, ये देखिएगा y 1 सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, कैरी आउटपुट से रिलेट करता है। कैरी आउटपुट कैसे रिलेट कर रहा है z के साथ, सेम फॉर्म में रिलेट कर रहा, तो मैंने इस पोजीशन पे जी एग्जैक्ट इक्वल दे दिया है। इसका मतलब है ये जो दो पोजीशंस पे मेरे पास कैरी एंड सम की बिट्स रिसीव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू माय जी। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन इनपुट्स 1 0, 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 2, ये सिलेक्शन इनपुट्स का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, आई 2 ये इंफॉर्मेशन लाइन भी सिलेक्ट होगी, ये इंफॉर्मेशन लाइन भी सिलेक्ट होगी। अब सम का फंक्शन किससे रिलेट करता है, जीरो से, क्योंकि वाई जीरो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वो सम के साथ आउटपुट पे अटैच है। तो यहाँ जो भी जी का फंक्शन है वो सम पे आउटपुट देगा, और ये जो वन लिखा हुआ है वो वाई वन कैरी के साथ लिखा हुआ ना, तो ये जो जी का फंक्शन है वो कैरी पे आउटपुट देगा। इसका मतलब है ये बात, ये देखिएगा 1 0 सिलेक्शन इनपुट पे बात साबित है कि जी रिलेट करता है सम के साथ इन्वर्टेड फॉर्म में। जब ये जीरो है, ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, और एज इट इज रिलेट करता है कैरी के साथ। तो ये एज इट इज जी कैरी के साथ और जी इनवर्ट सम के साथ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास सिलेक्शन इनपुट्स का 1 1, सिलेक्शन इनपुट्स पे रिसीव हुआ हमें 1 1, अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी बिट 1 1 हमारे पास सिलेक्शन इनपुट का डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है, ये देखिएगा डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है 3, तो ये इन्फॉर्मेशन लाइन भी सिलेक्ट हो गई और ये इन्फॉर्मेशन लाइन भी सिलेक्ट हो गई। अब ये दो इन्फॉर्मेशन लाइन सिलेक्ट हो गई हैं और अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों बिट्स ने मुझे आउटपुट रिसीव करनी है सम एंड कैरी पे। दोनों बिट्स, सम भी रिसीव होगी और कैरी भी रिसीव होगी, ये बात हमें मालूम है कि वन बिट एडर में हमें दो बिट्स आउटपुट पे मिलती हैं। अब हमारे पास क्या होगा, ये भी लाइन एक्टिव होगी और ये भी लाइन एक्टिव होगी। अब सम कैसे रिलेट करता है जी के साथ, व्हेन द सिलेक्शन इनपुट्स आर 1 1, जब जी जीरो है तो एस जीरो है, एंड देन जी वन है तो एस वन है। इसका मतलब है वो एज इट इज जी फंक्शन के, जी डेटा इनपुट के इक्वल है सम। इसका मतलब है ये देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन लाइन सिलेक्टेड है और ये इन्फॉर्मेशन लाइन सिलेक्टेड है, इस पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे जो लिखा हुआ है वो रिलेट करता है आउटपुट के साथ। कौन से आउटपुट के साथ, इफ y इज इक्वल टू 0, ये 0 है तो सम की आउटपुट रिसीव होगी। इसका मतलब है यहां मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू डेटा इनपुट z, क्या होगा सिलेक्शन इनपुट 1 1, z को मैंने 0 दिया, सम पे 0 आ गया, सम पे 0 आ गया, सिलेक्शन इनपुट 1 1,
सी पे मैंने वन दिया, सम पे वन आ गया, वन वन, जी पे मैंने वन दिया, सम पे वन आ गया, ये मेरे सम का हो गया। अगला, कैरी के साथ कैसे रिलेट करता है जी? कैरी के साथ इस तरह रिलेट करता है जी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जी डेटा इनपुट, कैरी इज एट कॉन्स्टेंट वन। अब सिलेक्शन इनपुट वन वन है, ये डेटा इनपुट लाइन भी एक्टिव हो गई, और ये सेकंड पोजीशन पे जो सबस्क्रिप्ट में वन लिखा हुआ है, दिस शोज के ये आउटपुट रिलेट करेगी सी कैरी आउटपुट के साथ, ये डेटा इनपुट रिलेट करेगी सी कैरी आउटपुट के साथ। इसका मतलब है इसकी डेटा इनपुट पे मैं कांस्टेंट वन लगा दूंगी। अब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास पीछे, इनपुट बिट आएगी वन 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 वन, सिलेक्शन इनपुट, ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट हुई, ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट हुई, सम पे जी जो भी बिट होगी, जीरो होगा जीरो आ जाएगा, वन होगा वन आ जाएगा, जीरो होगा जीरो आ जाएगा, वन होगा वन आ जाएगा, वन वन सिलेक्शन इनपुट है, ये इन्फॉर्मेशन लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी, और ये सबस्क्रिप्ट में जो कॉमा वन है वो शो करता है y इक्वल्स टू वन, मतलब कैरी की आउटपुट, ये देखिएगा y वन कैरी की आउटपुट, तो कैरी की आउटपुट इज एट कॉन्स्टेंट वन। इसका मतलब है मैं z पे जो मर्जी दे दूँ, मेरे पास कैरी पे कॉन्स्टेंट वन पास ऑन हो जाएगा कैरी की साइड पे। सो दिस इज माई वन बिट एडर यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। इस तरह नेक्स्ट है नाउ इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन यूजिंग mux। अब आपके पास क्या है, आपको ये डायग्राम गिवन है एंड यू आर supposed to complete this table, this functional table. आपने function की output complete करनी है from this diagram. This diagram is given to you. C and D data inputs कैसे relate होके given है, ये भी आपको shown है इस diagram में. You are just supposed to do what? Selection inputs देते जाएं, C and D का logic operation perform करें according to this. Suppose ए बी आर जीरो जीरो, तो मेरे पास जीरो जीरो का सेट यहाँ बनता है, ए बी आर सिलेक्शन इनपुट जीरो जीरो, इसका मतलब है जीरो जीरो, ये फोर रॉज ऑफ द टेबल आर एट सिलेक्शन इनपुट जीरो जीरो, ए बी आर जीरो जीरो, आई जीरो एक्टिव हुआ, आई जीरो पे कॉन्स्टेंट क्या है वन, इसका मतलब है जब जब सिलेक्शन इनपुट जीरो जीरो होंगी आई जीरो एक्टिव होगा और इसका कॉन्स्टेंट वन ही आउटपुट पर ज़्यादा जाएगा, तो कॉन्स्टेंट वन आउटपुट पर ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट, जब इन सिलेक्शन इनपुट जीरो वन है, ब्लू रीजन से शोन है, तो जब सिलेक्शन इनपुट जीरो वन है तो आई वन एक्टिव होगा, आई वन पे कैसे रिलेट कर रही है डेटा इनपुट्स, ये आपको गिवन है, सी डॉट डी का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो सी डॉट डी का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर देंगे जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन। नेक्स्ट, अब सिलेक्शन इनपुट वन जीरो है, जब सिलेक्शन इनपुट वन जीरो है तो आई टू एक्टिव हो जाएगा, आई टू किस तरह रिलेट कर रहा है डेटा इनपुट सी नॉर डी हो रहा है, सी एंड डी का आपस में नॉर रिलेशन हो रहा है, तो हम टेबल में ये फिलअप कैसे करेंगे, ये वाला कॉलम जीरो प्लस जीरो का होल बार, क्योंकि नॉर का रिलेशन है ना, अब हमें पता है नॉर में जीरो, नॉर जीरो इज इक्वल टू वन, और का ऑपोजिट होता है एक्चुअली, ये और का ऑपोजिट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिलेक्शन इनपुट वन वन, इफ द सिलेक्शन इनपुट्स आर वन वन तो आई थ्री एक्टिवेट होता है, आई थ्री जब जब सिलेक्शन इनपुट वन वन रहेगी आई थ्री इन्फॉर्मेशन लाइन एक्टिवेट होगी और आई थ्री पे कॉन्स्टेंटली डी अटैच है, इसका मतलब है जो भी डी की इनपुट होगी वो हमें आउटपुट एफ पे मिलती रहेगी, तो जो भी डी की इनपुट है वो हमें आउटपुट पे मिलती रहेंगी। इस तरीके से आप ऑपोजिट वे में भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सपोज आपको ये मार्क्स गिवन हो और फंक्शन और डेटा इनपुट्स और सिलेक्शन आउटपुट लाइन्स गिवन हो, तो आप टेबल भी फिलअप कर सकते हैं।